सूचना मिला होगा सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा अखबारों के माध्यम से कि आज पुनः एक झारखंडी विधायक की विधायकी गई है। पहला बात, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे फिलहाल, और ना ही हम उनके समर्थक हैं, ना अपितु बल्कि हम उनके ना ही व्यक्तिगत विरोधी हैं। वे चूंकि सरकार में रही है, गठबंधन के, निश्चय ही हम लोग सरकार के विरोधी रहे हैं। उस नाते हम कह सकते हैं उनके गवर्नमेंट की नीतियों के विरोधी रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, और ना ही उनसे हमारा कोई लगाव है, ना कभी उनसे व्यक्तिगत मिले हैं, ना व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। बस सुनने में आया कि उनकी विधायकी गई है, जो रामगढ़ की विधायिका है। उनका कुछ दोस्त था, गोलीकांड जैसा कोई मामला था, जो भी है, न्यायपालिका के द्वारा जो भी सजा सुनाई गई है, न्यायपालिका का सम्मान है, और जो भी सजा सुनाई गई है, जाहिर सी बात है दोषी होंगे तभी सुनाई गई, वो ठीक है। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, भले उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, लेकिन एज ए झारखंडी होने के नाते छोटी सी सहानुभूति होगी, इसलिए होगी। हालांकि उन्होंने अगर गलत किया है तो गलत का गलत हम कहेंगे कि आप गलत किए हैं, लेकिन समस्या यह है कि ये गाज सिर्फ झारखंडी विधायकों पर ही क्यों? सबसे पहले तर्क के साथ, उदाहरण के साथ हम बंधु तिर्की, इस गवर्नमेंट में दो विधायकों की विधायकी गई है, एक मांडर एक रामगढ़। मांडर के जो विधायक हैं, पुनः हम चाहेंगे कि नाम लेने से क्यों नाम लेके निकाल, एक बार तो हालांकि ले लें। तो मांडर विधायक जो हैं, हालांकि उनकी बेटी अब विधायक बन गई हैं, तो सबसे पहले मांडर विधायक जो उनकी विधायकी गई, कारण था 6 लाख आय से अधिक संपत्ति अधिक होना। तो 6 लाख के कारण माननीय बंधु तिर्की की विधायकी चली जाती है। चलिए ठीक बात है, बंधु तिर्की ने गलत किया भाई, 6 लाख रुपए अधिक क्यों कमा लिए। लेकिन यहीं एक बेरमो के विधायक अनूप सिंह, बहुत बाहुबली, दबंग, 1 करोड़ 1 दिन में, क्या न्यायपालिका में सामर्थ्य है उस पर कोई कार्रवाई कर पाने का? या फिर मुझे लगता है नहीं, क्योंकि झारखंड में झारखंडी होना पाप है। मधु कोड़ा की बात, बिल्कुल मधु कोड़ा ना भी दोषी है, मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना दिमाग एक झारखंड के किसी भी कौम के हो, झारखंड के व्यक्ति में इतना दांव पेंच, इतना झोल फांस करने का कुव्वत भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। बस उसको मुखौड़ा बना के पीछे से खूब लूटा गया झारखंड को। लेकिन हाँ, जो मुखौटा ही क्यों बने आप, माननीय मधु कोड़ा, मुखौटा ही क्यों बने? ठीक उसी क्रम में हम अपने, जब से हमको राजनीतिक समझ है, 5 को विधायक अगर आपके जहन में ज्यादा हो तो जोड़ दीजिएगा, 5 विधायकों की विधायकी की गई, अब 5ों का नाम ले लेते हैं, और ये 5ों के 5ों मूल खाटी झारखंडी। सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय 3 विधायकों की विधायकी गई थी, अमित महतो, योगेंद्र महतो और एक कमल किशोर भगत, ध्यान दीजिएगा, सब मूल झारखंडी, खतियानी विधायक, जो भी अच्छे हैं बुरे हैं क्या हैं नहीं हैं, हम उनके समर्थक भी नहीं हैं ना उनके विरोधी हैं। हाँ, विचारों के, नीतियों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, जो झारखंडी होने के नाते हम थोड़ा सा अपनी ओपिनियन को तो रख सकते हैं, और मेरा ओपिनियन है कि गाज झारखंडी विधायकों ऊपर क्यों? अभी माननीय रामगढ़ विधायक, जो भी इनका दोष है, जब कब का मामला है, उस मुश्किल मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये अपराध है और अगर सजा है तो अपराध और भी हैं, खासकर हमारे कोलांचल के क्षेत्र में बहुत विधायक ऐसे हैं जो उससे कई ज्यादा गुना अपराधी, अगर आप माननीय विधायिका के कृत्य को अपराध मानते हैं, चलिए ठीक है, और न्यायालय का अपना अपराध मानने का पैमाना होता है, लेकिन इससे बड़े अपराधी मिलेंगे, क्या उस पर कभी गाज गिरेगी? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो झारखंड के लोग हैं या फिर झारखंड के मूल विधायक हैं, माटी खाटी के विधायक हैं, वे टारगेट हो रहे हैं, और खासकर जो जिनको अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन है तो शायद बच रहे हैं, बाकी लोग टारगेट हो रहे हैं। तौफीक आलमदार झरिया जरूर आएंगे। यहीं आपको थोड़ा सा बिना नाम लिए हम 2 विधायकों को उदाहरण देंगे, एक सिल्ली विधायक और एक सिल्ली के पूर्व विधायक और बागमारा के वर्तमान में विधायक हैं और इससे पहले भी वही थे। दोनों का केस था शायद 353 धारा, 353 का धारा था, फिर भी हम फिर क्यों ना, चूंकि दोनों झारखंडी हैं लेकिन एक का संबंध चूंकि बीजेपी से है, इसलिए थोड़ा सा सवाल बनता है,
एक का 18 महीना सजा हुआ, दूसरा का 24 महीना, जबकि सुनने में आया 353 धारा। हाँ त्रिवेणी, तो बात सही बोल रहे हैं आप, सिंदरी में भी यही हो रहा है और हर जगह देखिए मोटा मोटी लोकलिटी के साथ छेड़छाड़ हो ही रहा है। जमीन हमारा, जगह हमारा, और बाहर के लोग यहाँ दबंग बन के हमारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। तो खैर कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। देखिए उषा दी, जिस प्रकार अंग्रेज हम पर हावी थे, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, हम अंग्रेजी अंग्रेज से आज भी मुक्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन नियंत्रण में है। ठीक उसी प्रकार जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमने कटकर राज ले लिया है, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम उनसे हटें, उनसे मुक्त हों, उनसे आजादी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो फिलहाल जैसा कि विषय वस्तु आज का यही है, बाकी न्यायालय, यही न्यायालय से मांग होगी कि एक आंख में काजर एक आंख में खैरका नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार हो, अगर दोषी हैं तो सब दोषी होना चाहिए, सबको दोषी, अगर सब दोषी नहीं लेकिन जो जो दोषी के पैमाने पर आते हैं उन्हें दोषारोपण करना चाहिए, मुंह चिन चिन चीरा और लॉक चिन चिन पीरा नहीं करना चाहिए। तो निश्चय ही झारखंड के लोगों को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। 5 विधायक हम देखें, अमित महतो, योगेंद्र महतो, ममता देवी, सॉरी कमल किशोर भगत, बंधु तिर्की, कुछ तो बात है। ठीक है ये लोग गलत हैं, गलत काम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यही लोग क्यों, गलत तो और भी लोग हैं, वे लोग रडार में क्यों नहीं? अनूप सिंह रडार में लीजिए, 1 करोड़ का संपत्ति है। हजारीबाग का विधायक है मनीष जायसवाल, सोने सबसे ज्यादा संपत्ति अभी झारखंड के विधायक में उसके पास है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।